मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने वाले हितग्राहियों की स्क्रूटनी करने के बाद हितग्राहियों की सूची निगम सूचना पटल पर चस्पा की गई थी, जो दवा आपत्ति के लिए लगाई गई थी, जिसकी अंतिम तिथि बीत चुकी है और अब इस सूची में अपना नाम देकर हितग्राही योजना की अगली कड़ी में इसकी प्रथम किश्त जमा कराने निगम पहुँच रहे हैं। प्रथम किश्त जमा करा देने के बाद हितग्राही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे और लॉटरी में नाम आने के बाद हितग्राहियों को उनका मकान मिल पाएगा, जो उनकी पहचान बना पाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में दो प्रमुख घटक हमारे यहाँ जो है अभी वर्तमान में जिनको लॉटरी सिस्टम से करना है, जिसमें से एक का लॉटरी सिस्टम से हमने प्रभावित जो परिवार वाले थे उनको निकाल चुके हैं लिस्ट, और उनको आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है अभी जो किरायेदारी में रहते हैं उनके लिए भी जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित की गई है, उसके तहत में जो है 1250 लगभग की जो सूची है वो चस्पा की गई थी दावा आपत्ति प्रकाशन के लिए, जिसकी तिथि खत्म हो चुकी है। और अब इसके बाद में जो पात्र हितग्राही हैं इनमें से उनसे राशि जो है प्रथम किस्त की, क्योंकि लॉटरी आवंटन में भाग लेने के लिए प्रथम किस्त की राशि जमा करनी होती है, वो प्रथम किस्त की राशि जो है वो जमा कराई जा रही है। और उनके लिए जो पात्र हितग्राही हैं किराएदारी में जो रहते हैं और जिन्होंने आवास आवंटन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनसे 10% की राशि वो है वो जमा कराई जा रही है। पहले जो प्रथम किस्त की राशि थी वो 30% थी, जिसको शासन के निर्देशानुसार जो है अब 10% कर दिया गया है, तो लोगों को इससे राहत भी मिल रही है और बाकी जो आसान किस्तों में भी राशि जमा कर पाएंगे।